कहा था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या करे होने का, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। जस्ट गो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। आप नहीं खाएंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ओके जाओ ना यार, प्लीज। मैं चली जाऊंगी, आप थोड़ा सा खा लीजिए। लीजिए। जाओ मतलब जाओ, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है मुझे। जब मैं कह रहा था मुझे अकेला छोड़ दो तो छोड़ देना चाहिए था ना। जस्ट लेट मी बी। मुझे एक बात बताइए, अकेले रहने से कोई प्रॉब्लम हल होती है? मुझे पता है कि आप परेशान हैं, क्योंकि आपका दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो बच्चा आपका है। यू राइट अनेका, आई स्टिल डोंट बिलीव वो बच्चा मेरा है, क्योंकि मैं जानता हूं उस रात टिया और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स को मैं कैसे डिनाई करूं? रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। जिसने रिपोर्ट ली वो भगवान थोड़ी ना है, इंसान है हमारी तरह। मेडिकल साइंस में ऐसी मिस्टेक नहीं होती है, स्पेशली ऐसे केसेस में। डॉक्टर मलिक को हम एक अरसे से जानते हैं, इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर। पर आपका दिल कहता है ना कि वो रिपोर्ट गलत है। हाँ, पर कब तक मैं कहता रहूंगा कि आई एम नॉट श्योर। फैसला तो लेना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, तो तुम ये क्यों लेके आई थी? यू नो ना मुझे टोबैस्को से एलर्जी है। मुझे कैसे पता होगा, ट्रॉली में पड़ी थी, मैं ले आई। तुमने इस ड्रिंक में टोबैस्को डाला है क्या? Don't you know I'm allergic to it? मेरी दवाइयाँ रिएक्ट करती हैं इसके साथ। आप, I'm so sorry, baby. वो actually ट्रे में पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया। Sorry. Yeah. शिवाय। मैंने कहा मैं 100% sure हूँ उस रात मेरे और चिया के बीच कुछ नहीं हुआ था। मुझे याद है मैंने एक ड्रिंक पी थी जिसमें ये टोबैस्को मिक्स था, इसकी वजह से मुझे एलर्जी हुई। मैंने एंटी एलर्जी पिल खाई और उसकी वजह से मुझे नींद आती है, तो मैं सो गया। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो ठीक है ना, फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट, वो गलत है। मुझे पक्का यकीन है कि वो गलत है। तो अब कुछ नहीं, एक काम करते हैं, एक और बार टेस्ट करते हैं, कम से कम हमारा शक दूर हो जाए। यू आर राइट। भैया जवाब दीजिए, जवाब चाहिए हमें प्लीज। यस इट्स ट्रू, आई एम प्रेग्नेंट। बात को लेकर बहुत खुश है, पर प्लीज आप हमारी इस खुशी में हमें कुछ प्राइवेसी दीजिए। ओके मैम, मैम प्लीज जवाब दीजिए, बेटा जवाब चाहती है मैम प्लीज। प्लीज ओ मैं माता, दोबारा टेस्ट? तू पागल हो गया क्या शिवाय? दोबारा टेस्ट का क्या मतलब है? मैम प्लीज रिलैक्स, सिर्फ एक टेस्ट है। शिवाय तू बाप बनने वाला है। जब लोग फादर्स बनते हैं ना तो खुश होते हैं, नाचते गाते अनाउंसमेंट्स करते हैं कि मैं बाप बन रहा हूँ, और तू ये टेस्ट का स्यापा लेकर बैठ गया।
जितना ही बेचैन हो रहा है ना तो वेट कर ले, जब बेबी आएगा और उसकी कंजी आंखें दिखेंगी ना तो अपने आप पता चल जाएगा किसका बेटा है। इतना शक करना अच्छी बात नहीं होती शिवाय, डीएनए रिपोर्ट में तो आ ही गया है ना जो है। मॉम मुझे उस रिपोर्ट और टिया दोनों पर शक है, इसलिए मैंने और अनिका ने डिसाइड किया है कि हम। ओहो, तो ये इनकी बदौलत हो रहा है, तू मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही है। हाँ अनिका, तू चाहती क्या है कि शिटिया की शादी ना हो और तेरी इस घर में जगह पक्की हो जाए? नहीं, मैं ना कह रही थी जिठानी जी इसे फौरन इस घर से बाहर निकाल दो, वरना ये यहीं टिकी रह जाएगी, और वो ही हो रहा है। मखमल में टाट का पैबंद अब परमानेंट होना चाहता है। तू तो जो है सो है, पर तुझे क्या हुआ शिवाय? तू क्यों बाहर वालों की बातों में आकर ये सब? मॉम आप अनिका को ब्लेम करना बंद कीजिए, ये फैसला उसका नहीं है, ये फैसला मेरा है। मैं चाहता हूं कि ये टेस्ट फिर से, अनिका सिर्फ मेरा साथ दे रही है, वो भी तब जब मेरी अपनी मां ही मेरा साथ नहीं दे रही। अगर शिवाय पूरी तरह से कन्विंस नहीं है तो उसका पूरा हक बनता है ये टेस्ट दोबारा करवाने का। आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म। पिकी, ये शिवाय की जिंदगी, लेट हिम डिसाइड। ठीक, कर, एक नहीं 10 टेस्ट कराओ, रिपोर्ट तो वही आएगी ना जो पहले आई थी, जो मन में आए करो। इट्स फाइनल, इस बार हम टेस्ट डॉक्टर चैटर्जी के क्लिनिक में करेंगे। बड़े बाबा, ब्लड सैंपल लेने के लिए किसी को वहां से बुला लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, मैं कल खुद लेके चली जाऊंगी। अनिका दी, मैं भी आपके साथ चलूं। अनिका शिवाय के ब्लड सैंपल्स के साथ डॉक्टर चैटर्जी के क्लिनिक जा रही है। तुम्हें पता है ना क्या करना है और डॉक्टर को कैसे हैंडल करना है? डॉक्टर चैटर्जी का केबिन। थैंक यू। यस, कम इन। डॉक्टर चैटर्जी। यस जी, मैं अनिका। या प्लीज सर। मिस्टर ओब्रॉय ने आपसे बात की थी? ओह यस यस, मिस्टर तेज ओब्रॉय का कॉल आया था। डॉक्टर, ये मिस्टर शिवाय सिंह ओब्रॉय के ब्लड सैंपल हैं और वो फीटस का सैंपल। डोंट वरी, वो हमने डॉक्टर मलिक की लैब से मंगवा लिया। ठीक है, रिपोर्ट कब तक मिलेगी? वो आप कल सुबह ले सकते हैं। डॉक्टर चैटर्जी को सैंपल दे दिया है। रिपोर्ट कब तक आएगी अनिका? कल सुबह तक आ जाएगी। ओके। शिवाय, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक आपका सच और टिया का झूठ सबके सामने आ जाएगा। I just hope so.